In today's topic, we will discuss about the environmental study, scope of the environmental study. इसके scope में हमारे पास है hydrosphere है, lithosphere है, biosphere है और atmosphere आ जाते हैं. फिर इसके बाद हम देखेंगे elements of the environmental sciences, environmental study के जो elements like इसमें physical component है इसके, और या फिर इसको abiotic component कहते हैं, या biological या biotic component होंगे. और इसके बाद इसके various aspects हैं, psychological aspects हैं इसमें, इसमें economical effects हैं, aspects हैं इसके, तो इनको हम discuss करेंगे. सो आज का topic शुरू करते हैं. environmental sciences ये एक multidisciplinary science है, subject है, जिसके अंदर हम link करते हैं chemistry, physics, medicinal sciences, life sciences, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, सैनिटरी इंजीनियरिंग, और इस तरह ये लंबी एक लिस्ट है जिन साइंसेज को, जिन डिसिप्लिन को हम इसमें इंटरलिंक करते हैं, रिलेट करते हैं. क्योंकि हम इस स्टडी के अंदर, इन्वायरमेंटल साइंसेज के अंदर हम पढ़ते हैं कि हमारे पास जो सोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं, इन सोर्सेज को कौन से एजेंट्स हैं जो डिग्रेड कर रहे हैं, और इन डिग्रेडेशन में कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं, और ये इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसका जो इफेक्ट है वो बायोलॉजिकल स्पीशीज पे, ए बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स के ऊपर क्या होगा, और स्पेसिफिकली हम उसे देखेंगे कि ह्यूमंस के ऊपर इनका क्या इफेक्ट होता है, ये जो डिग्रेडेशन हो रही है इन्वायरमेंट की, और इसको हम किस तरह से लिमिट कर सकते हैं. इन्वायरमेंटल साइंसेज में बेसिकली हम तीन चीज़ों को डिस्कस करते हैं. व्हाट इज सराउंडेड, By what surrounded and where surrounded. इसमें हम actually what is surrounded, that is an organism. By what surrounded, that is this ecosystem, its environment. And where surrounded, इसमें habitat के बारे में पढ़ते हैं कि उसके ऊपर, उसके जो environmental, उसके जो surrounding वाले aspects हैं, abiotic और biotic, उसका उस organism के ऊपर, that is surrounded, उसके ऊपर क्या क्या effect पड़ रहा है, तो हम इस चीज़ को इसमें discuss करते हैं. स्कोप ऑफ द एनवायरनमेंट, स्कोप में इसका मतलब है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं. इसमें हमारे पास एटमॉस्फेयर है, द प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ, इसको एटमॉस्फेयर कहते हैं. और इस मेनली जो है इसका कंपोनेंट दैट इज नाइट्रोजन, और इसमें 21% ऑक्सीजन होता है. बाकी इसमें नोबल गैसेज में 0.93% आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज 0.03%, और उसके अलावा कुछ ट्रेस गैसेज हैं. ये एटमॉस्फेयर जो है इसके बहुत ज़्यादा रोल है हमें प्रोटेक्ट करने में, ये जो हमारे पास बायोस्फेयर है उसको प्रोटेक्ट करने में. ये बायोस्फेयर जो है हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे ये किस तरह से इसका सिग्निफिकेंट रोल है. इट सस्टेन लाइफ ऑन दिस प्लैनेट, डेफिनेटली इसके अंदर ये जो गैसेज ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये ऑक्सीजन हमारी सस्टेनेबिलिटी के लिए, हमारी लाइफ के लिए, लाइफ ऑन अर्थ, लाइफ ऑन प्लैनेट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इट सेव अस फ्रॉम द हॉस्टाइल इन्वायरमेंट ऑफ आउटर स्पेस. आउटर स्पेस के अंदर जो है वो बहुत से जो है वो रिएक्शंस हो रहे हैं, सन के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो ब्लास्ट हो रहे हैं, और उन धमाकों की जो उनसे जो रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही है, जो उनसे ये साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये सारी उस चीज़ से हमें ये प्रोटेक्ट करता है. इट आल्सो अब्सॉर्ब मोस्ट ऑफ द कॉस्मिक रेज फ्रॉम द आउटर स्पेस, जो डेंजरस रेज आ रही हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज आ रही हैं, और जो टिश्यू डैमेजिंग रेज आ रही हैं, ये उन सबको जो है वो फिल्टर करके हमें उससे प्रोटेक्ट करता है. सेकेंडली जो चीज़ इसमें फॉल करती है दैट इज़ द हाइड्रोस्फेयर. हाइड्रोस्फेयर का मतलब है कि ऑल वाटर बॉडीज जो हमारे अर्थ के ऊपर हैं, लाइक ओशन, सी, लेक, रिवर, स्ट्रीम, पोलर आइस कैप्स, ग्लेशियर्स, ग्राउंड वाटर, ये सारी की सारी जो वाटर बॉडीज हैं ये हाइड्रोस्फेयर हैं. इनको हम ब्रॉडली जो है दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. इसको कहते हैं सरफेस वाटर. सरफेस वाटर में आ जाता है हमारे पास ओशन, सी, लेक, रिवर, पोलर आइस कैप, जो कि सरफेस के ऊपर है, अर्थ की सरफेस के ऊपर. ये और सेकंड इसकी जो टाइप है दैट इज़ द ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड के अंदर वाटर मौजूद है, जिसको हम जो है वो टैप वाटर के तौर पे भी यूज़ करते हैं, मतलब हम बोरिंग करके उस वाटर को जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसको कहते हैं ग्राउंड वाटर. सो ब्रॉडली जो है इसकी दो कैटेगरीज हैं, दैट इज़ सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर. नेचर के अंदर जो है वो 97% अर्थ वाटर सप्लाई ये ओशन के अंदर है, 2% जो अवेलेबल इन द पोलर आइस कैप्स, और जस्ट 1% है दैट इज़ अवेलेबल इन द फ्रेश वाटर, और ये 1% जो है यही हम इसको यूज़ करते हैं अपने पास. थर्ड जो इसका कंपोनेंट है स्कोप में दैट इज़ द लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर इज़ द आउटर मेंटल ऑफ सॉलिड अर्थ, और इसमें हमारे पास मिनरल्स हैं, ऑर्गेनिक मैटर है,
एयर है और वाटर प्रेजेंट है। फोर्थ इसका जो कंपोनेंट है स्कोप का, दैट इज द बायोस्फेयर। बायोस्फेयर इंडिकेट द रीजन ऑफ अर्थ सरफेस एंड द एटमॉस्फेयर इनहिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो डीप इन द सी बॉटम भी हो सकती हैं और अबव द अर्थ सरफेस यानी कि एटमॉस्फेयर में भी हो सकती हैं। तो ये जो भी रीजन है जिसके अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है उस सारे के सारे रीजन को बायोस्फेयर कहते हैं। एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट या कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट में हमारे पास इसके जो कंपोनेंट है तीन मेजर, दैट इज द फिजिकल एलिमेंट्स। फिजिकल एलिमेंट्स में जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं लाइक लैंड फॉर्म, वाटर बॉडीज, सॉइल, रॉक्स एंड मिनरल्स, ये सारे की सारी चीज़ें फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, इनको फिजिकल एलिमेंट्स कहते हैं। बायोलॉजिकल एलिमेंट्स में जो है वो फ्लोरा और फौना आ जाएंगे, इसमें प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो मौजूद होंगे। कल्चरल एलिमेंट, इसके अलावा हम जो है वो इसको डिवाइड करते हैं कल्चरल एलिमेंट में, जस्ट लाइक इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल एलिमेंट जो हैं ये भी इसेंशियल हैं और ये मैन मेड फीचर हैं, इनको भी जो है वो कल्चरल एलिमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट कहते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, कर्ट लिवन साइंटिस्ट था, इसके अकॉर्डिंग जो है वो हम एनवायरनमेंट को फिजिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट और इसके अलावा हमारे पास साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ये इसकी टाइप्स हैं। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट और हम इसको जो फर्दर जो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फिजिकल एनवायरनमेंट, ये जो फिजिकल जियोग्राफिकल जोन है या फिजिकल कंडीशन है ये भी ह्यूमन जो लिविंग है उनको इफेक्ट करते हैं। लाइक यहाँ पे एग्जांपल दिए कि इनका द कोल्ड कंट्रीज पीपल आर ऑफ फेयर कम्प्लेक्शन, उनका कलर अच्छा आता है। वाइल नेशन अफ्रीकन कंट्रीज, क्योंकि ये जो है इक्वेटर के पास है और इक्वेटर में सन की जो रेज हैं वो डायरेक्ट इनके ऊपर पड़ती हैं, डेफिनेटली देन दीज पीपल हैव डार्क कम्प्लेक्शन, तो इनका जो रंग है वो इस एज कम्पेयर टू जो कोल्ड कंट्री उनसे ये ब्लैक होता है। द फिजिक ऑफ एन इंडिविजुअल डिपेंड अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशन एज द इंडिविजुअल ट्राइज टू एडजस्ट टू इस फिजिकल इन्वायरमेंट, उसकी फिजिक, उसका जो स्ट्रक्चर है ये भी वेरी करता है कि वो कौन सी फिजिकल इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। द ह्यूमन वर्किंग एफिशिएंसी, यस वर्किंग एफिशिएंसी भी उसको इफेक्ट करती है और क्लाइमेट का इन्वायरमेंट का सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होता है वो इस वर्किंग एफिशिएंसी के ऊपर ही होता है। अगर इन्वायरमेंट फिजिबल, इन्वायरमेंट फेवरेबल नहीं होगा तो ये इसकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है ह्यूमन की ये डिस्ट्रॉय होगी, ये इफेक्ट होगी। सेकेंडली अकॉर्डिंग टू द कर्ट लिवन, सेकेंड इसका जो टाइप है दैट इज सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट इंक्लूड द इंडिविजुअल सोशल, इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल कंडीशंस। The social environment influences the life, nature and behavior of the individual. Third is that is psychological environment. Kurt Lewin ने बताया कि psychological environment is the life space where someone inhibits and it has great impact on the personality of the individual. Individual की personality के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा effect पड़ता है। हर individual ने जो है अपनी life goal set की होती है, अगर उसको अच्छा psychological environment मिलते हैं तो वो उन बैरियर्स को ओवरकम करने के बाद अपनी गोल को अचीव कर लेता है। बट अगर उससे जो है वो बैरियर या हर्डल्स ऐसी मिलती हैं कि वो अपनी जो सेट गोल है उनको अचीव नहीं कर पाता, देन ही फील्स फ्रस्ट्रेटेड एंड अल्टीमेटली चेंज हिज गोल फॉर द न्यू साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो वो अपनी गोल को चेंज कर लेगा अगर उसे फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा। सो दैट इज द साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू कर्ट लिवन। बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, बायोलॉजिकल पार्ट इसके दो कंपोनेंट है जैसे पहले भी डिस्कस हुआ, दैट इज द फ्लोरा एंड फौना, एंड द लास्ट वन इज द सोशल एस्पेक्ट्स, इनको हम देख सकते हैं। इसमें सोशली अ मैन परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, द मैन बिल्ड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इस्टेब्लिश सोशल इंस्टीट्यूशन एंड फॉर्मुलेट डिफरेंट पॉलिसीज, लॉज एंड प्रिंसिपल्स एंड टेकिंग स्टेप्स टू safeguard existing interest and social welfare. Economic aspects इसके देखें तो ये man के पास हमारे पास different resources है within the environment और हमने इन physical या biotic यानी abiotic और biotic environment के जो resources हैं इनको अपनी ability से और skill से इस तरह से utilize करना है कि हम इससे better से better जो है वो benefits ले सकें। The economic function of is an important part of the as he drives matter and energy from one component of the environment to the other, क्योंकि हम इसमें resources को use करते हुए one form of energy को second form of energy में convert करते हैं।
एंड दिस स्लाइड शो द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट दोज आर इंटरलिंक्ड. ऑल द ऑर्गेनिज्म वर्क टू फॉर्म देयर सोशल ग्रुप्स. सबसे पहले ये सोशल ग्रुप्स बनाते हैं और ये सोशल ग्रुप्स या ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क जॉइंटली टू ड्राइव मैटर एंड एनर्जी थ्रू डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल. ये मैटर और एनर्जी को इंटरलेट करते हुए जो है वो रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं और यही इस तरह से रिसोर्सेज को यूज़ करना कि वी विल गेट बेनिफिट मैक्सिमम बेनिफिट और इसी को जो है वो हम इकोनॉमिक इन्वायरमेंट या इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट कहते हैं. सो ये बेटा इसमें थे एस्पेक्ट्स एंड इसके स्कोप इन्वायरमेंटल स्टडी का. अगर इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा. थैंक यू सो मच बेटा.